हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंटिन्यूस नॉलेज। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, और कैसे दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में हम और रेशनल नंबर फाइंड करते हैं, कुछ दो तीन चार इस तरह से रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। फिर उसके साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व किया था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है, उसी बेसिस पर जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। हम लोग जानेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है और कैसे कोई एक इरेशनल नंबर को, एक गिवन इरेशनल नंबर, तो उसे कैसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे रेशनल नंबर को जिस तरह से हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेम एज हम लोग क्या कर सकते हैं, इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9 का, नंबर सिस्टम जो हमारा चैप्टर 1 है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो लेट स्टार्ट। इरेशनल नंबर क्या होता है? दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आर कॉल इरेशनल नंबर। इट मीन्स, जैसे हम लोगों ने रेशनल नंबर में पढ़ा था कि वैसे नंबर जिसे हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पे q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वैसे नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर। तो इसमें उसी का वाइस वर्सा हो जाएगा, इट मीन्स अपोजिट हो जाएगा सेम, जैसे वो नंबर जिसे हम p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता, उसे क्या कहते हैं हम, इरेशनल नंबर। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग फिर से और थोड़ा सा वैरिड वे में, डिफरेंट वे में हम लोग डिफाइन करेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर को, जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जब हम लोग पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो ये हो गया इरेशनल नंबर सिंपली, जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, पाई, ठीक है। पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। ऐसे पाई का वैल्यू 22/7 होता है, या तो वो उसे हम, वो रेशनल होगा, लेकिन जब हम इसे पाई लिखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू इसका डिटरमाइन नहीं होता, इसलिए हम इसे क्या, ये क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है पाई, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, मान लेते हैं हमें रिप्रेजेंट करना है रूट टू। रूट टू क्या, एक इरेशनल नंबर है, तो हमें रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट रूट टू ऑन नंबर लाइन। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक, इसके पीछे का कंसेप्ट समझेंगे कि कैसे हम लोग रूट टू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या यूज़ होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस तो आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ा होगा, ये क्लास 6 से ही पढ़ना है हमें पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह से, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये एंगल ली हमने, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, इस तरह से होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। जो एंगल से जो रिलेटेड होता है, जो जुड़ा हुआ होता है, वो जाता है बेस, और ये साइड हो गया परपेंडिकुलर, और ये जो होता है 90 डिग्री के जो अपोजिट होता है, वो होता है हाइपोटेन्यूज। तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि एच स्क्वायर, इट मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूज़ होगा, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, कैसे होगा देखते हैं हम लोग। जैसे हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, रूट टू को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम कोई एक ऐसा ट्राइंगल लेते हैं, जैसे लेट एक ट्राइंगल है ये एबीसी, तो एक हम ऐसा ट्राइंगल लेते हैं जिसमें हमारे पास जो बेस है वो 1 यूनिट है, ठीक है, यूनिट है, और ये परपेंडिकुलर भी जो है वो भी यही 1 यूनिट है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या पढ़ा है हम लोगों ने, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये अगर इधर चल जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, सर यहाँ पे लिखते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखें, एक ही बात है। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं इसे। तो वन वन है तो एच क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस वन इज इक्वल टू रूट टू। तो हमें क्या मिल गया, रूट टू मिल गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अगर ये रूट टू को, ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है एसी, अगर इसी को हम यहाँ पे शो कर दें, तो हम इस नंबर लाइन पर ये लेंथ को
तो क्या हो जाएगा, हम उस जिस पॉइंट पे हम शो करेंगे वो हो जाएगा, रिप्रेजेंट कर लेंगे हम लोग इस वे में। तो देखते हैं कैसे। तो हम क्या करेंगे ना, एक वन यूनिट लेंथ लेंगे यहाँ से, ठीक है, वन यूनिट है 0 से 1, ये वन यूनिट लेंथ है। और इस पॉइंट पे क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है। आप इसे प्रोटेक्टर या कंपास से कर सकते हैं, मैं आपको एक रफ़ आइडिया दे रहा हूँ, बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, रफली मैं यहाँ ड्रा करता हूँ। तो हम वन यूनिट क्या करेंगे, वन यूनिट लेंगे लेंथ, और इस पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर क्या करना है हमें, ड्रा कर देना है, एक परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन खींच देना है, ठीक है। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो इस तरह से हम लोगों ने कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने वन यूनिट ले लिया, ठीक है, मान लेते हैं ये है वन यूनिट, जैसे बी सी यहाँ पर, वही यहाँ पर ये ज़ीरो है ना, तो इस पॉइंट को ओ ले लेते हैं, इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वन यूनिट। अब हम क्या करेंगे ना, हम प्रोटेक्टर लेंगे, ठीक है, उससे क्या करेंगे, वन यूनिट लेंथ मेज़र करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे करके ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं रफ में, ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं क्या है, ये वन यूनिट हो गया, समझ में आ रहा है यहाँ पे, ये कितना हो गया, ये भी वन यूनिट हो गया, ठीक है, ये भी वन, यू से शॉर्ट में लिख देते हैं, वन यूनिट हो गया ये। अब हमें क्या करना है ना, इस पॉइंट को यहाँ से मिला देना है, ठीक है। तो ये जब वन यूनिट है और ये भी वन यूनिट है, पूरा लिखे देते हैं इसे वन यूनिट, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, जैसे जब यहाँ वन यूनिट था, ये वन यूनिट था, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ था, रूट टू हुआ था। तो सिमिलरली यहाँ भी क्या हो जाएगा, रूट टू यूनिट हो जाएगा, मतलब इट मीन्स ये रूट टू हो जाएगा। तो ये लेंथ हो गया रूट टू। अब हम क्या करेंगे, ओ ए इस पॉइंट को ले लेते हैं, कुछ ओ ए है, ये इस पॉइंट को ले लेते हैं बी, ठीक है। तो ओ ए बी एक ट्राइंगल बना, जिसमें ओ बी क्या है, हाइपोटेन्यूस है, विच इज़ इक्वल टू रूट टू, रूट टू लेंथ है। अब हम क्या करेंगे कि इस लेंथ को हम रेडियस मानेंगे, इट मीन्स इतना हम लेंगे इस तरह से, एक प्रोटेक्टर लेंगे और उसमें इतना मेज़र करेंगे एज अ रेडियस, और इसे क्या करेंगे, नीचे में ड्रा कर देंगे, मतलब इस तरह से इतना लेंथ लेना है हमें, और इससे क्या करना है, ऐसे ड्रा कर देंगे। इट मीन्स हमें सिर्फ ओ बी को नीचे ले आना है, ये ऐसे है ना, तो हम ऐसे ले आएंगे नीचे। तो जिस पॉइंट पे वो कट करेगा नंबर लाइन को, वो पॉइंट जो होगा रूट टू होगा। मान लेते ये पॉइंट पी है, तो ये क्या होगा, रूट टू होगा, ठीक है। तो ये लेंथ है ओ पी इज इक्वल टू रूट टू, और ये जो पॉइंट है पी रिप्रेजेंट कर रहा है रूट टू को। तो इस तरह से हम रूट टू को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया नंबर लाइन पर। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है इरेशनल नंबर का नंबर लाइन पर, ठीक है। तो ये जो ओ पी इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा रूट टू, और ये जो पी पॉइंट है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा रूट टू को। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन पे एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर हमें रूट थ्री रिप्रेजेंट करना होगा, तो रूट थ्री को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम क्या करेंगे ना, जैसे ओ बी हमारे पास टू यूनिट है, अब हम यहाँ से फिर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस तरह से, ठीक है। हम यहाँ पे प्रोटेक्टर या कंपास यूज़ करके कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ड्रा कर, फिर से अगेन वन यूनिट कट करेंगे। मान लेते हैं जो वन यूनिट कट होगा वो कुछ यहाँ पे कट होगा, ठीक है, एक रफली मान लिए वन यूनिट इस तरह से, वन यूनिट जो होगा यहाँ पे कट होगा। और जब हम इसे मैच करेंगे ना, मिला देंगे यहाँ से इस पॉइंट को, तो ये जो लाइन मिलेगा हमें वो कितना होगा, रूट थ्री होगा। कैसे होगा देख लेते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये वन यूनिट था, ये वन यूनिट था, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए थे, रूट टू हो गया था। अब हमारे पास क्या है, कौन सा ट्रायंगल बना, इस पॉइंट को ले लेते हैं डी, ठीक है, ओ बी डी। तो अगर हम ओ डी निकालें, तो ओ डी क्या है, हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर के अपोजिट का साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, हम इसे लिखेंगे इस तरह से, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू होता है ना अंडर रूट बेस, बेस कितना है, ओ बी, ओ बी स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर क्या है, बी डी, बी डी स्क्वायर। तो ओ बी है हमारे पास, कितना भी हम लोगों ने फाइंड किया, रूट टू, ठीक है, ये ओ बी क्या है, रूट टू है, तो रूट टू का स्क्वायर। और बी डी हम लोगों ने कितना लिया, वन यूनिट, तो वन यूनिट वन का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो गया, रूट टू का स्क्वायर टू प्लस वन,
विच इज इक्वल टू रूट थ्री। ठीक है, तो ओ डी क्या हो गया, रूट थ्री हुआ ना, तो यही तो है रूट थ्री। तो रूट थ्री को भी हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब रूट थ्री को क्या करेंगे ना, इतना हम रेडियस लेंगे और इसे फिर वापस हम यहाँ पे ड्रा कर देंगे। जैसे ये हम लोग इतना लेंगे रेडियस और इसे क्या करेंगे, मतलब करना कुछ नहीं, बस इसे नीचे ले आना है। इस तरह से हम करेंगे इतना ले करके, तो मान लेते हैं कुछ यहाँ पे आएगा, तो ये जो पॉइंट होगा ना ये रिप्रेजेंट करेगा रूट थ्री को। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं रूट थ्री, और जो पॉइंट है वो है कुछ भी लेते हैं क्यू, ओ क्यू डिस्टेंस हो जाएगा रूट थ्री, और ये जो पॉइंट है क्यू वो रिप्रेजेंट कर रहा है रूट थ्री को। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसमें रूट फाइव भी कर सकते हैं, सेवन भी कर सकते हैं। तो रूट फाइव को मैं इसमें नहीं करूँगा, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा यहाँ पे, ज़्यादा मतलब हेजी हो जाएगा, एक तरह से कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो मैं रूट फाइव को जो अगला एक्सरसाइज है उसमें रूट फाइव को रिप्रेजेंट करना है उसमें मैं बताऊँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूज़न हुआ तो आप एक बार फिर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।